हैं कि रांची को अगर अस्त व्यस्त होने से बचा लेना है तो हम लोगों से मुलाकात कर लीजिए, नहीं तो रांची के चारों तरफ से लोग जब रांची राजधानी कूच करेंगे तो ये मुख्यमंत्री के EAPA से हम लोग नहीं मिलेंगे। मिलना है स्पष्ट तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। EAPA को वोट नहीं दिए थे हम लोग, वोट मांगने से मैं अकेले आ जाते हैं, और अभी वोट लेने के बाद जीत जाने के बाद जब मिलने की बात है EAPA, ये सब EAPA नहीं चलेगा। 150 किलोमीटर पैदल चल के लोग आते हैं और एक मुख्यमंत्री जो यहाँ की जनभावनाओं को नहीं समझता, मिलता नहीं है, ये सही नहीं है इस राज्य के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, दो चार लोग मरेंगे, मरने से क्रांति आती है अगर ये कहा जाता है कि शहादत से क्रांति आती है तो देंगे शहादत, क्या फर्क पड़ता है। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती जब पैर पर पड़ते छाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं GN भारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड 32 खतियान को लेकर चल रहे आंदोलन और इसके अगुआ नेता तीर्थनाथ जी के बारे में। क्रांति की ज्वाला इन्होंने ऐसे फैलाई इसका लो पूरे झारखंड में फैल रहा। इनके पैर के छाले को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी आंदोलन की गति क्या होगी। तो आइए जानते हैं आंदोलन के बारे में तीर्थनाथ जी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री के EAPA से हम लोग नहीं मिलेंगे, मिलना है स्पष्ट तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। EAPA को वोट नहीं दिए थे हम लोग, वोट मांगने से मैं अकेले आ जाते हैं, और अभी वोट लेने के बाद जीत जाने के बाद जब मिलने की बात है EAPA, ये सब EAPA नहीं चलेगा। मिलेंगे तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, नहीं तो है यही है, गांव के लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे गांव के लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ जितने लोग आए हैं सबके गांव के लोग तैयारी कर रहे हैं, लगभग 40 गांव के लोग हैं। हम लोग मैसेंजर के तौर पर आए थे, एक संदेश मुख्यमंत्री से मिलकर उनको एक संदेश देना चाहते थे कि मुख्यमंत्री क्या, गांव के लोग क्या चाहते हैं। वो तो संदेश लेना ही नहीं चाहते, नहीं लेंगे तो फिर पूरा गांव आएगा, सब अलग अलग गांव से, ये दूसरे गांव से, ये लड़का दूसरे गांव, धनबाद के तो चाची से है, ये कसमार से है, ये पटवा से है, गोमिया से है, वो जोड़ा पोखर से हैं, ये दूसरे गांव से हैं, ये लोग सब अलग। आप सोचिए कि अभी आपको जो ये 50 लोग दिख रहे हैं, अगर इन 50 लोगों के हर गांव से 500 लोग आता है तो इतनी छोटी सी रांची में क्या होगा। अब हमको लगता है कि मुख्यमंत्री को हम लोगों से मिलकर अगर वो मुलाकात कर लेते हैं तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा सिर्फ मुलाकात से। समस्या इस बात से है कि हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गजट संख्या 660 24/12/2021 उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दीजिए। मतलब एक उदाहरण के तौर पर यह समझिए कि हमें भूख लगी, हम खा रही भूख, इससे तुम मिटा लो, तो भाई ये संभव है नहीं। गजट संख्या 660 24/12/2021 जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जिला स्तरीय परीक्षाओं के लिए क्षेत्रीय जनजातिवाचकों की जो सूची है उसमें भोजपुरी मगही को बोकारो धनबाद में जोड़ दिया गया। हम वो पूरा, हम संशोधन नहीं चाहते, संशोधन किस बात का, पूरा पूर्ण रूपेण वापस चाहिए तभी यह आंदोलन ठप होगा। नहीं तो आपको याद होगा कि किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के बुलावे के बाद पूरा दिल्ली जाम पड़ गया था। हम लोग भी करेंगे, हमारे गाँव के लोग भी तैयारी कर रहे हैं आने के लिए, ट्रैक्टर से आएंगे, गाड़ियों से आएंगे, जैसे जो जिस तरीके से सके। ये क्योंकि बर्दाश्त का ये सीमा पार हो गया है, 150 किलोमीटर पैदल चल के लोग आते हैं और एक मुख्यमंत्री जो यहाँ की जनभावनाओं को नहीं समझता, मिलता नहीं है, ये सही नहीं है इस राज्य के लिए। वैसे ही नहीं पूरा करते हैं तो क्या हम, मैंने बार बार हर बातचीत बिरसा और निर्मल के विचारों को रोकने के लिए गोलियाँ भी कम पड़ जाएंगी। बिरसा और निर्मल के विचारों को आप कैसे रोक सकते हैं, संभव ही आपको घेर के सब जगह से रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, दो चार लोग मरेंगे, मरने से क्रांति आती है अगर ये कहा जाता है कि शहादत से क्रांति आती है तो देंगे शहादत, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि रांची को अगर अस्त व्यस्त होने से बचा लेना है तो हम लोगों से मुलाकात कर लीजिए, नहीं तो रांची के चारों तरफ से लोग जब रांची राजधानी कूच करेंगे, क्योंकि अभी तक गांव के लोग शहर या राजधानी सामान खरीदने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, दिवाली घूमने आते हैं, दुर्गा पूजा में घूमने आते हैं, बाज़ार करने आते हैं। गांव के लोग अगर अब अपने गांव को बचाने के लिए, अपनी भाषा संस्कृति परंपरा अस्तित्व और अपने अधिकारों को बचाने के लिए अगर शहर आ गए तो शहर के लोग संभाल नहीं पाएंगे हम लोगों को। देख हमारी तो लियो मुख्यमंत्री से मिले खातिर, मुख्यमंत्री जखन हमारी गांव जाओ तखन हमारी लौटे पानी दे के मुख्यमंत्री के मान सम्मान कर ली, और गांव से अगर छोट भाई सब आए ले तो अगर पुलिस प्रशासन हमारी एक बहरिया को हमारी मिले के लिए तो सबसे पहले तो हमारी रोकलो बोलो कागज़ दिखाओ, तो खतियानी लोग के कागज़ तो मांग रहे हैं, बड़ भाई से मिले खातिर पैदल चले खातिर कहिया से कागज़ बने के नियम हो गए कि अगर हम आए जे धनबाद से पैदल चल के अबे तो ओकर लिए कोनो कागज़ चाहिए कि एते एते गाड़ी आवे ओकर लिए तो कागज़ नहीं मांग ले, हमारी पैदल आ रही है तो हमारे लिए कागज़ सब कुछ देखवल बाद
बोले कि चल तोरा मुख्यमंत्री से मिलेबो और हमरी कह दे यहाँ राजभवन ही आए के पटक दिलो। जानवर से ज़्यादा बदतर स्थिति हो हमरी के, न शौचालय की व्यवस्था न पानी के व्यवस्था। आप लोग को घेर दिया गया है चारों तरफ से, पूरा बैरिकेटर लगा दिया गया है। अरे हमरी अभी 50 गो के संख्या में आएलिए मिले खातिर, तो तुम घेर देने तो हम बर्दाश्त कर रही हो। जहिया 5 लाख संख्या है जीतू तहिया कहते घेर में। अरे इटा राज्य के राजधानी लगे, गांव गए लौटे पानी दिलियो। अब विधायक सबके भी घर देखो और मुख्यमंत्री के भी घर देखे के हमरी शौक है कि जकरा वोट दे के मुख्यमंत्री बनेलिए और घरवा कैसन उठा ना देखे के हमरी शौक है कि बड़ दादा कैसन रहा है। तो तुम अपन घर नहीं घुसे दे रहा है तो सोच कि तुम जखन गाँव अब तो तोर की है। तो आज हम रही आयलियो बैठ के बात करे खातिर, कहे कि तुम दुमका में बोल रहे खुदे कि आओ आई के बैठ के बात कर, तो हमरी बैठ के बात करे खातिर आयलियो। और अगर ना मिलबे तो ठीक है, बड़ भाई छोट भाई में विवाद है वह है तो अब तो हकार अधिकार के बात है ये गलो, तो विवाद भी बढ़ते है और मिले तो तोरा है तो, और ना मिलबे तो फिर गाँव में घुसे के भी तोरा उम्मीद छोड़ दिए है। तो जे हमरिए लगियो जे मैंने चुनाव में जिंदाबाद कर करके तोरा वोट दिलियो और तो आज मुख्यमंत्री बनल है, तो फिर ऐसा स्थिति ना आ जाए कि फिर मुख्यमंत्री तो दूर विधायकों बने लायक नहीं रहे। मांग ये है भैया कि देखिए भाषा, जे भाषा के 660 संख्या गजट में जे क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही भोजपुरी डालल गया है तो उटा तो यहाँ भाषा लागे नहीं, और अगर जब हमारी विरोध कर लिए तो 58 दिन बाद वो भाषाटा वापस हुआ है कि बोला कि भाषा विवाद समाप्त हो गया, भाषा यहाँ से हट गया। तो हम तोरा मांग लियो खाना भर पेट तो हमारा दे चखना, मैट्रिक इंटर के जब प्रतियोगिता परीक्षा लगे ओकर से तो कि हमारी खाली प्यून और चपरासी बनबे तो उटा चले वाला ना हो। हमारी गिधर सब मास्टर नहीं बनते, हमारी गिधर सब वीडियो सीओ नहीं बनते, हमारी गिधर सब बाबू नहीं बनते, हमारी खाली झाड़ू पोछा करबो और मगही भोजपुरी बोले गिला वाला बाबू बनतो। मैंने अखनी अपन कैबिन से बेल देवे तो कि चाय लेके आवा और हमारी चाय लेके जीबो तो उटा चले वाला ना हो। 660 संख्या गजट तोरा एकदम निरस्त करे है तो, और मगही भोजपुरी के हमेशा के लिए तोरा हटवे है तो, और जे स्थानीय नीति के बात करके तो आयल हैं क्योंकि हमरी कही 1932 नहीं बोला लियो, लेकिन तुम तो चुनाव में बोल रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनाओ हम 1932 लागू करबो, तो अब तुम तो मुख्यमंत्री बन गए, अब 1932 तो तोरा लागू करे है तू, और नहीं तो फिर एक अंजाम की है तो इटो तुम तो सोच नहीं सके कि जे जनता तोरा कोरा में लेके मुख्यमंत्री बनेलो है तोरा उतारे भी काम कर दो। तो जो 660 संख्या गजट है उसको ये निरस्त करें और 1932 जिस खतियान की बात पे ये मुख्यमंत्री बने हैं उनको ये लागू करना होगा, क्योंकि आपने कहा था कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए तो हम ये सब चीज़ करेंगे, और आप आज आप मुख्यमंत्री हैं और अगर ये लागू नहीं करते हैं और हम लोग से नहीं मिलते हैं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए भी आप तैयार रहिए। जब तक मुख्यमंत्री से मिलबो नहीं तब तक हमरी यहाँ से हिलबो नहीं। अभी 50 गो हियो हिये हमरी के अभी खाना रह के सब व्यवस्था आ रहा है, टेंट कुर्सी लाग रहा है, गांव से हमरी खटिया भी मंगाई रही हो और गांव से अभी लकड़ी के लकड़ी भी है तो हड़िया भी है तो हिये हमरी भात दाल खिचड़ी सब बनेबो सब खेबो रहो कहे कि राज्य के राजधानी लागू तो हमरा यहाँ रह से रोक नहीं सके। तो राज्य के राजधानी लागे हमरी झारखंडी लागियो तो हमरी हिये रहो जब तक बात ना है तो तब तक, और अब हिये खाना बनते हिये रहो हिये सुतबो और तो रहिया महल में और हमरी सुतबो बाहर में, तो महल में रहे वाला सबके महल में हमरिए तोरा बनवलियो और हमरी अगर आज रहबे तो झारखंड के सब माए बहन बेटी काकी सब सोभी देख रहा है कि झारखंडी किधर सब हुआ जाके रह रहा है, और जो विधायक बन ले मंत्री बन ले मुख्यमंत्री बन ले अखनी के भी खानाटा अखनी के भी रहेगा और हमरी के भी रहेगा। तो अपन मुख्यमंत्री बनाए कि अगर हमरी के यह दर्द रहना है तो हमरी रहबे, जब तक हमरी मुख्यमंत्री से मिलबो ना तब तक यहाँ से हमरी हिलबो ना। कल आप लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आप लोग को रोका गया? हमरी तो जाली मुख्यमंत्री से मिले ले मुख्यमंत्री आवास पुलिस प्रशासन चूँकि खाकी वर्दी सबका एक ही हवा है तो अखनी हमरा बोल लो कि भाई चाल तोनी राजभवन जाकिर हुसैन पार्क हियाँ जो हियाँ रह तोनी के 5 आदमी के हमरी मुख्यमंत्री से मिलेबो, और अभी तक तो कोनो तरह के बात ना है। अभी थोड़ा देर पहले एक जन आयल हल बोल रहे कि मुख्यमंत्री के कोई पीए है शर्मा तो ओकर से चल मिल के बात कर ले, तो फिर वह बात है कि लोग हमरी मांगे हो खाना तो दें चखना, हम बड़ दादा से मिले खोजे तो बोले पीए से मिल, तो पीए तो नहीं गेलो वोट मांगे लो तुम गेल दादा तोर से बात करबो हमरी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।